हेलो एवरीवन, मैं सर आशीष शर्मा एंड आई फ्रॉम सीएसई डिपार्टमेंट। देखिए अभी तक हमने जो पिक्चर्स बनाई, स्टेबल बनाई, क्लिक करो, जूम करो, अनजूम करो, ये बनाया। अब मैं यहाँ पर एक फ्लिपिंग का बनाता हूँ। मुझे फ्लिप करना है इमेज को। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने एक फ्लिप बॉक्स बना दिया, रोटेट करना है। इसे हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया। अब जो इनर पार्ट है उसको मैं फ्लिप करना है, उसका ट्रांजेक्शन इफेक्ट क्या हो, अलाइनमेंट क्या हो, पोजीशन क्या हो, अब वो किस एंगल पे रोटेट करेगा और क्या करेगा, इसके अंदर दो ऑप्शन है, मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, ठीक है। देन फ्रंट एंड बैक, उसकी विजिबिलिटी क्या होगी, फ्रंट से जब फ्रंट आएगा तो क्या होगा, जब बैक आएगा तो क्या होगा। देखिए इस जगह के ऊपर आपने जो भी कुछ लिया, ये सारी सेटिंग मैंने ऊपर आपके पास कर दी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इनर पार्ट ले लिया, इनर के अंदर फ्रंट लिया, पहले सबसे पहले फ्लिप बॉक्स लिया था, पिक्चर ले ली। पिक्चर के अंदर अगर मेरी पिक्चर नहीं आती तो हमने कर दिया माई पिक कर दिया, उसकी हाइट वेट डिपेंड कर दी। राइट, जो जब फ्लिप होके पिक्चर बैक पे जाएगी और मैटर आएगा तो मैटर क्या होगा, व्हाट इज एन अमेजिंग सिटी, या फिर आपने हमने यहाँ पर दे दिया आपने ब्यूटीफुल पिक कर दिया, कंट्रोल एस किया, ठीक है। अब एक बार ज़रा चेक करते हैं, यहाँ पे आया, मैंने यहाँ से इसको रिफ्रेश किया, हो गया। जैसे मैं उसका पॉइंटर इसमें इसके ऊपर लेके जाऊंगा, हो गया वापस पिक्चर दिस वन। अब आपने जो ये किया, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करता हूँ, और वो चेंज क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, दिस वन, ये देखिए मैंने रोटेशन दी हुई है एक्स एक्सिस वाई की, तो अब हमने यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस दे दिया। नीचे आइए, यहाँ पर अगे आपने एक्स, अब मैं डिग्री भी चेंज करूँगा, कंट्रोल एस, यहाँ पे गए आपने रिफ्रेश किया, ये लीजिए होगी एक्स एक्सिस। राइट, वापस हम यहाँ पे गए, यहाँ पर आपने दिया है 180 डिग्री, मैंने यहाँ पर कर दिया 240, कंट्रोल एस, यहाँ पे गए आपने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए, क्योंकि ये देखिए इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर हम इसी जगह पे गए, अगेन मैंने यहाँ पर 180 डिग्री दिया, इस जगह पे आए आपने 180 डिग्री दिया। अब यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपके पास है, ठीक है, यानी कि वो डिले प्रोसेसिंग, ये देखिए दिस वन, हमने यहाँ पर इसको अगर मैं कहूँ कि मुझे 10.8 कंट्रोल एस रिफ्रेश किया, ये देखो हो गया। तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, कीप ट्राइंग ऑन इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।